वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बागात के मतलब। दोस्तों अप्रैल के एंड और मई के महीने में नई शाखों की बढ़ोतरी का अमल शुरू हो जाता है और फल की बढ़ोतरी भी जारी हो जाती है। दोस्तों छोटे पौधों में फूट निकलना और फल का बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इस सूरत हाल में दोस्तों पौधों से कच्चे गुले और गैर मामूली बढ़ोतरी वाली शाखें ज़रूर काट दें। वैलेंशिया लेट की बर्दाश्त और प्रबंधकारी का अमल भी मुकम्मल कर लें, ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में कि जड़ी बूटियों का तदारक लाजमी करें। दोस्तों इन दिनों में जड़ी बूटियाँ हद से ज़्यादा बड़ी हुई बागात में मिलेंगी। ये खुराक और जगह घेर कर पौधों की पैदावार में काफ़ी हद तक कमी का बायस बनती हैं। और दोस्तों इसके अलावा नाइट्रोजनी खाद की दूसरी किस्त भी मुकम्मल कर ली जाए। अनासरे सगीरा का ज़रूरत के मुताबिक स्प्रे ज़रूर कर दें। और दोस्तों 15 दिन के वक्फा से आप पैशी जारी रखें। जिन पौधों पर पवानदकारी की गई है उसकी पवानदकारी के अमल की तकमील का जायज़ा लें। तो दोस्तों आज की ये सीधा सीधा मालूमात, इनमें सबसे अहम दोस्तों पौधों की काट छांट का अमल, खादों का बरवक्त और मतवाजन इस्तेमाल, और सबसे अहम बात जड़ी बूटियों की फरावानी को कंट्रोल करना। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सोख का इलाज नहीं किया वो लेट होते जा रहे हैं, लिहाजा फल नया फल आने वाला है पौधों पर, उससे पहले पहले दोस्तों अपने बागात की सैनिटेशन, हवा की हवादार बनाना, जड़ी बूटियों की तलफी। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की चुलाई हो, जंगली चुलाई है, इसके अलावा एटसेट है, इसके अलावा घास है, दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की सैकड़ों जड़ी बूटियां इस वक्त उगी हुई हैं और इनमें दोदक की सारी इकसाम मौजूद हैं। लिहाजा ज़िम्मेदार हजरात माहरीन के मशरा से इन जड़ी बूटियों को तलफी ज़रूर बनाएं। दोस्तों कोशिश करें एक दफ़ा हल्का सा हल चलाकर इन जड़ी बूटियों को ज़मीन में मिक्स कर दिया जाए और बाद में वतर आने पर जो उगेंगी, नए सिरे से उगेंगी, उनको दोस्तों स्प्रे के ज़रिए भी तलफ किया जा सकता है। तो दोस्तों कोशिश करें बागात की अभी से इस महीने में भरपूर देखभाल करें ताकि आइंदा फसल भरपूर पैदा हो। दोस्तों मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो और आरा के मतलब कमेंट्स बॉक्स में आइए और चैनल सब्सक्राइब और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। रोक लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम अंकल मेरे पैसे पैसे ओए कौन से पैसे है? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या सही नहीं कर रहे हैं? जा जाके अपने बाप को बुला। एक सहारा ना मेरा बाप है ना मेरी लगाएगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौला ना मोहम्मदिन।